अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। ये अभी मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये धागा या डोर नहीं है, ये आज के दौर में किसी तलवार से कम नहीं है। किसी की गर्दन काटने के लिए ये हथियार सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार है, सबसे ज़्यादा गुमनाम हथियार है जी। फैसलाबाद में एक वाकया हुआ, वो आप सब ने देखा होगा, अगर कि कोई नहीं देख सका तो उसकी वजह भी यही होगी कि वो वीडियो इस कदर सेंसिटिव है कि वो आम छोटे दिल वाला शख्स देख नहीं सकता है। वो एक शहरी अपनी बाइक पर रोज़े की हालत में जा रहा था, लेकिन सामने से तेज़ केमिकल वाली डोर उसके गर्दन पर फिरने की वजह से उसकी गर्दन कट गई और वो अपनी जान की बाजी हार गया। ये बसंत एक बहुत खूबसूरत त्यौहार हुआ करता था, ये पाको हिंद में मनाया जाने वाला त्यौहार। जब ये जान की बाजियां इसमें लोग हारना शुरू हो गए तो इस त्यौहार को बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। वो जान की बाजियां क्यों हारना शुरू हो गए, आज से 20 साल पहले, 25-30 साल पहले जब ये बसंत मनाई जाती थी, ये त्यौहार मनाया जाता था, तब ये डोर जो मेरे हाथ में मौजूद है ये हाथ से तोड़ने से टूट जाती थी, ये इस कदर धागेनुमा डोर होती थी। लेकिन आज के दौर में इसी डोर के ऊपर केमिकल लगा के इसको मजबूत किया जाता है, इसी डोर के ऊपर शीशा तोड़ के उसको लगा के इसको मजबूत किया जाता है, और फिर ये एक किसी तलवार से, दो धारी तलवार से कम नहीं रह जाती है, ये तलवार का काम ही देती है। तो ये बसंत और ये पतंगबाजी, इसका बॉयकॉट हमें करना चाहिए। लाहौर में तो पहले ही बहुत सख्त किस्म के इसके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाता है, लेकिन जो दूसरे छोटे ज़िला हैं या इर्द गिर्द के हमारे ज़िला हैं उनमें इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है और फिर लोग जान की बाजियां हार जाते हैं और जानी नुकसान होता है। तो इसके खिलाफ आज के प्रोग्राम में जानते हैं जी, कितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं, कितने शहरी हमारा साथ दे रहे हैं, और कितने शहरी आज भी इस तरह के मौजूद हैं जो कहते हैं कि इसका कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए या पतंगबाजी खुली रहनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ एक भाई हमारे मौजूद हैं, ये पतंगबाजी करते भी रहे हैं, और ये जितने मेरे साथ मौजूद हैं जी हमारे दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त हैं वैसे तो, लेकिन पतंगबाजी ये भी बहुत करते रहे हैं। पतंगबाजी मैंने भी आज से कोई 20 साल पहले अपने बचपन में की होगी जी, जाहिर है जब बसंत होती ही सारे करते थे, लेकिन जब से बैन लगा है, उस बैन की भी कोई जाहिर है वजह थी तो बैन लगा है। हम एक टाइम पे भाईजान देखते होते थे मोटरसाइकिल पे, जब बसंत के मतलब अदवार होते थे, बसंत के दिनों में मोटरसाइकिल पे लोग ऐसे पूरी वो तार लगा देते थे, बंद करते मोटरसाइकिल, वो डोर आती थी उस तार के थ्रू ही पीछे चली जाती थी। आजकल अब एक तो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा हो गई है, ऊपर से बच्चे बहुत चलाना शुरू हो गए मोटरसाइकिल, वो लाइसेंस बनाए 18 साल के हैं नहीं है कुछ भी नहीं देखते, मोटरसाइकिल लेके चलानी आ गई, गियर लगाना आ गया, वो गए निकल गए। इसी वजह से ज़्यादा आबादी की वजह से जो है पतंगबाजी में ज़्यादा जाने गंवाने की भी ज़्यादा चांसेस हैं। आप मुझे बताएं कितना अरसा पतंगबाजी करते रहे हैं? हमें भाईजान काफ़ी अरसा हो गया पतंगबाजी करते हुए, तो हमने काफ़ी नुकसान होता भी देखा है इसका, लेकिन हम कहते थे लोग जो हैं वो बाइक्स वगैरह के आगे सेफ्टी राड लगाएं, यूज़ करें, हुकूमत बैन खोले, दो दिन के लिए शो की इजाज़त दे, हर चीज़ करे, लेकिन हुकूमत ने बैन नहीं खोला। लाहौर शहर में बसंत नहीं थी होती, हम हुकूमत को काफ़ी गलत कहते थे, कहते थे कि ये क्यों इन्होंने पाबंदी लगाई है, लेकिन आज त्यौहार बंद हुआ था, बुरा लगता था, त्यौहार बंद हुआ था आज, लेकिन कई जानों का नुकसान दे के हम कहते हैं कि ये शो गलत है। जो आज फैसलाबाद में वाकया हुआ है, 22 साल का नौजवान वो सड़क के ऊपर खून से लथपथ गिरा रहा है, वो भी किसी माँ का लगते जिगर था, माँ उसकी रोती रही है, उसको देख के हमें ऐसे लगा कि हमें लानत भेजनी चाहिए ऐसे शौक पे, हम बायकॉट करते हैं ऐसे शौक से, ये जो शौक है गंदा है, बिल्कुल गंदा है। हम आज हुकूमत को सही कहते हैं कि हुकूमत ने बिल्कुल सही किया, हुकूमत दो दिन के लिए पाबंदी खोले, किसी खुले ग्राउंड में दे, किसी कोई ऐसा इलाका सेलेक्ट करे वहाँ लोग जो हैं पतंगबाजी अपनी करें, उसके बाद उनका भी सारा शौक पूरा हो जाए, दो दिन के बाद पाबंदी लगाए, लेकिन ये शौक बहुत गलत है, हम बायकॉट करते हैं शौक से, हम लानत भेजते हैं ऐसे शौक के ऊपर जो किसी के जानों का नुकसान। जो ये देखें सर, इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो ये शौक मतलब आम शहरी हैं, एक तो वो लेके आते हैं शहर में, सबसे पहले फैसलाबाद में पतंग और वो इतनी खतरनाक किस्म की तलवार जैसी डोर आ कैसे गई है? CPO फैसलाबाद सो रहे थे, DPO फैसलाबाद सो रहे थे, वो सारे अफसरान कहाँ थे, वो पुलिस अफसरान कहाँ थे जिन्होंने नाके लगाए होते हैं, उनके पास से उनके होते हुए शहर के अंदर आ कैसे गई? अगर बाहर से नहीं आई, शहर के अंदर ही बनी है, तो वो जहाँ पे बन रही है वहाँ के सारे जिला इंतजामिया सो रही थी कि इतनी खतरनाक डोर अंदर बन रही है और किसी को पता ही नहीं है, बनने के बाद दुकान पे बिक रही है किसी को पता नहीं है, दुकान से कोई खरीद के आगे लेके जा रहा है किसी को पता ही नहीं है। देखें ये किसी ना किसी तरह तो ना अहली हमारे हुकूमत की और हमारे महकमों की है जिसकी वजह से जान उस बच्चे ने कमाई है, ऐसे ही है। दूसरे नंबर पर यह कि वो जो खरीदने वाले हैं वो भी गलत हैं,
एक वीडियो है जी, पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी, आप सारों ने भी पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है, अगर नहीं देखी तो स्क्रीन पे अभी ये वीडियो चलाएंगे वो देख लीजिएगा। एक बच्चे, एक लड़का है जी, वो देख रहा है छोटे बच्चों को, वो पतंग लेके जा रहे हैं, मुंह से छीनता है, छीन के वहीं पे वो तोड़ता है और दो दो बच्चों को लगाता है और दौड़ लगा बच्चों को। हाँ जी देखी है, देखी है बिल्कुल। आपने पता नहीं देखी है यानी स्क्रीन पे ये वीडियो अभी ये देख लीजिएगा, वीडियो चल जाती है जी, ये वीडियो देखें। इस वीडियो में बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया उस शहरी की तरफ से, उसके वो बच्चे कुछ नहीं लगते, उसने देखा है बच्चे पतंग लेके जा रहे हैं, ये ऊपर जाके उड़ाएंगे, वो फिर डोरें लगेंगी या बच्चे गिरेंगे, चोटें लगवाएंगे अपने आप को, कभी छत से गिरने के चांसेस हो सकते हैं, कहीं और गिरने के चांसेस हो सकते हैं। उसने उन सारे नुकसान से बचाने के लिए मौके पे खड़े होकर बच्चों का छोटा सा नुकसान कर दिया, उनसे पतंग छीनी है, पतंग छीन के फाड़ी है और बच्चों को मारी है। ये वीडियो देख लें जरा। ये जी हमारे साथ मोइज़ भाई हमारे मौजूद हैं, और मोइज़ भाई भी बड़े पतंगबाजी के शौकीन रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी रहे हैं, और अब पूछते हैं मोइज़ भाई, अब इस साल कितनी पतंगें उड़ाई और अगर नहीं उड़ाई तो क्या वजह? मोइज़ भाई कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का जी, सेहत भी ठीक है। कितनी पतंगें उड़ाई हैं इस साल? इस साल तो नहीं उड़ाई मैंने तो, अल्लाह का शुक्र है, 2-3 साल से जब बंद हुई थी, पाबंदी लगी थी, कुछ पहले ही समझ आ गई थी कि नहीं अच्छी चीज़ है तो पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन ये जो अपना रिसेंटली हुआ है फैसलाबाद वाला वाकया, ये देख के दिली तौर पे बड़ा दुख हुआ है कि गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इसका बायकॉट करेंगे, और सब भाइयों को कहते हैं प्लीज़ इसका बायकॉट करें, बायकॉट करें बिल्कुल। मोइज़ भाई, ये फैसलाबाद वाला वाकया तो अभी लाइमलाइट में आ गया, हाईलाइट्स में हम सबको पता चल गया, इससे पहले बड़े वाकया होते रहे हैं। यहाँ पे चुंगी पे एक वाकया हुआ है जी, बिल्कुल देखा, वो देखा अभी आप ही बल्कि बता रहे हो, डॉल्फिन का जवान था, वो भी बिल्कुल जवान था, वो शहीद हुआ है चुंगी पे मेन रोड के ऊपर, चुंगी अमरसदों में डोर फिरी है उसके गले के ऊपर। फिर चुंगी पे पुलिस वालों ने काफी क्रैकडाउन किया है, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो दोबारा से महकमे की नाअहली की वजह से दोबारा से लोग जो है वो पतंगबाजी करना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा सर, इसमें दो चीजें ना, एक तो सबसे पहले पुलिस देखें कितनी की कोशिश कर सकती है, अगर आप मैं या हमें से कोई किसी को पतंग उड़ाते देख रहा है, हम कंप्लेन ही नहीं करते हैं, तो पुलिस वाले बेचारे क्या कर सकते हैं? कंप्लेन करेंगे हम तो उनको पता चलेगा, कंप्लेन करेंगे इंशाल्लाह पूरी करेंगे हम, जहां बल्कि खुद गुड्डी उड़ती देखेंगे, हम खुद वहां पे जाके लोगों को रोकेंगे, करेंगे बायकॉट करेंगे, मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, और 15 कंप्लेन भी। हां जी 15 कंप्लेन भी करेंगे। कभी की है आपने 15 कंप्लेन? अभी तो नहीं किया है, लेकिन अभी लाहौर में तो क्योंकि इतनी होती नहीं है, लाहौर में वैसे ही सकती है शुक्र है अल्लाह का, लेकिन अगर होगी देखेंगे तो लाजमी करेंगे। अच्छा ये आपने एक बात नोट की होगी, मोइज़ भी कह रहे हैं लाहौर में होती नहीं है, सख्ती है, अब फैसलाबाद में या दूसरे शहरों में अक्सर होती है, जंग लोग जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, झेलम जाते हैं पतंगबाजी करने, कसूर जाते हैं पतंगबाजी करने, गए थे मोइज़ भाई? मोइज़ भाई गया था इस दफा फैसलाबाद। अच्छा फैसलाबाद, फैसलाबाद गए थे, लेकिन हमने अपना वहाँ पे पतंगबाजी नहीं की। वैसे बसंत के त्यौहार पे फैसलाबाद में बहुत ज्यादा होता है ये ना, फैसलाबाद में इस चीज़ का रुझान अभी बहुत ज्यादा है, वहाँ पे कोई नहीं कम हो रहा है, जैसे सख्ती वगैरह हो ना तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। जमान साहब ये हमारे एक प्रोड्यूसर थे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, बड़े अच्छे हमारे हमारे साथी थे, हमारे कोलीग थे, ये स्क्रीन पे आपको उनकी तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। ये जमान साहब अपनी जान की बाजी हार गए हैं पिछले दिनों, ये अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, एक इकलौते भाई थे और ज़ाहिर है एक लखते जिगर थे अपने वालदैन के, ये अपनी जान की बाजी हार गए हैं, और वजह यही बनी है कि कसूर बसंत मनाने के लिए गए हैं और वहाँ से छत से गिरे हैं, तीसरी मंजिल की छत से गिरे हैं और अपनी जान की बाजी हार गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमें बहुत अजीज़ थे इस जमान भाई, इसके अलावा और जितने लोग, वो जो फैसलाबाद में लड़का मरा है वो भी किसी को बहुत अजीज़ था, ये सभी लोग बहुत अजीज़ होते हैं अपने अजीज़ान को, और ये जब जान की बाजी हारते हैं तो ये डोर वही होती है जो आप या मैं हम पतंगबाजी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं या उड़ा रहे होते हैं, हम अपने घर से शुरुआत करेंगे बॉयकॉट की तो बाहर तक बात जाएगी, उसके अलावा ये कभी भी नहीं खत्म होगी। वकार भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है शुक्र अल्लाह। कितना अरसा पतंग उड़ाई है और कौन कौन सी उड़ाते रहे हैं? साल हो गए, कम से कम 6 साल हो गए उड़ा रहे हैं। अच्छा अभी मगर अब हम बॉयकॉट कर रहे हैं फैसलाबाद जो वाकया हुआ है। अच्छा वकार भाई मुझे ये बताएं, पतंगें आती कहाँ से हैं, हमें मिलती कैसे हैं, डोर कहाँ से मिलती है, पतंगें कहाँ से मिलती हैं? बेसिकली लाहौर में तो नहीं बन रही। अच्छा पेशावर, सियालकोट वगैरह में, फैसलाबाद में भी बन रही हैं, कसूर में भी बन रही हैं। कसूर में बहुत ज़्यादा डोर और गुड्डे वगैरह जो हैं वहाँ पे बाकायदा शॉप्स वगैरह हैं, बाकायदा वो होम डिलीवरी करते हैं, पेशावर के कई कॉन्टैक्ट्स हैं, वो होम डिलीवरियाँ वगैरह करते हैं,
हर चीज लोगों ने अपने नंबर चलाए हुए हैं फेसबुक वगैरह पे इंस्टाग्राम पे, वहाँ से रब्ता करके लोग होम डिलीवरियाँ मंगवाते हैं, लारी अड्डे यहाँ न्याजी अड्डे पे पतंगे पहुँचती हैं, वहाँ से लोग मार्केट है, इजी सीन है, कोई चक्कर नहीं है, बेच रहे हैं लोग आराम से बेच रहे हैं। कसूर में मार्केट नहीं, कसूर में, कसूर में भी बाजार है पतंगों का, मुकम्मल बाजार है। कसूर में जब इस दफा बसंत हुई है मैं गया हूँ खुद, वहाँ पे बहुत ज्यादा बसंत हुई है और पुलिस वाले जो है कोई नहीं थे आ रहे, लोग छतों पे फायरिंग कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, डैक लगे हैं, मुकम्मल एक बसंत हुई है, मतलब हर किस्म की कानून की खिलाफवर्जी, कानून की खिलाफवर्जी हुई है, लेकिन कोई महकमा नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई वहाँ पे रोकने वाला नहीं था हमको। बड़ी हैरानी वाली बात है, अफसोस की बात है, कसूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। हालांकि अच्छा आपको बताता चलूँ कि ये जो बैन लगा था ये भी शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में लगाया था। उसके बाद सिटी न्यूज़ नेटवर्क एक वाहिद इकलौता न्यूज़ चैनल था जिसने बसंत को खोलने का, बसंत की इजाज़त लेने के बारे में भी बड़ी कैंपेन की थी। हमने कोशिश की थी कि सम हाउ बा एनी मीन्स बसंत खुल जाए, इसको प्रमोट किया बसंत के त्यौहार को, ये रंगारंग मेला जो लगता था बसंत का इसको प्रमोट किया कि किसी तरह बसंत खुल जाए। लेकिन जब ये जानी नुकसान देखे, जब पता चला कि इतना प्रमोट करने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं मिल रही है, बसंत नहीं खुल रही है, तो उस बैन को एक्सेप्ट किया हमने और उसको एक्सेप्ट करने के बाद इसको बैन रखने पर हमने अप्रिशिएट किया और बैन रखने को भी बड़ा प्रमोट किया। आज से तकरीबन एक डेढ़ साल पहले आपने मेरा एक शो देखा होगा जी, हम बाबू साबू के करीब गए थे और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया था। वो बच्चा बाइक पर जा रहा था, घर से सामान लेके, दुकान से सामान लेके, सॉरी घर के लिए जा रहा था, छोटा सा बच्चा बाइक पे, स्कूल जाने वाला बच्चा था, उसके डोर फ्री है और वो जान की बाजी हार गया। वो जहाँ पे बच्चे का कत्ल हुआ है, इसको कत्ल मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये मौशी कत्ल ही है जी, ये कत्ल ही किया गया बच्चे को, ये पूरे माशरे को पता था कि उस इलाके में पतंगबाजी हो रही है, ना वहाँ पर पुलिस वालों ने जाके पतंगबाजी को रोका, ना वहाँ पर जाके इलाके के लोगों ने कंप्लेन की या उसको रोकने की कोशिश की, तो वो पूरा इलाका मुलविस था उस बच्चे के कत्ल में मेरी नज़र में। उस बच्चे का जहाँ पे कत्ल हुआ उसके बिल्कुल सामने थाना था जी, नवाकोट, और वो नवाकोट थाना, थाने की नफरी, थाने के लोग, डीएसपी वहाँ पे बैठते हैं जी, वो सब, उन सब को मैं इस कत्ल में शरीक समझूंगा, मुलव्वज़ समझूंगा उस बच्चे के कत्ल में जो डोर फिरने से हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वो चाहते तो वो रोक सकते थे, पतंगबाजी रोकी जा सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप बाकी हर चीज़ जो जो भी रुक रही है शहर में वो रोकी जा सकती है, तो पतंगबाजी क्यों नहीं रोकी जा सकती है? ये जेब में डाल के डोर कोई भी नहीं ला सकता, ये जेब में डाल के पतंगें कोई भी नहीं ला सकता, ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं पर किसी तरह आती हैं, वो क्यों नहीं रोकी जा सकती? दूसरे ज़िले से जब लाहौर में आती हैं या लाहौर में भी अगर बनती हैं तो क्यों नहीं रोकी जा सकती? ज़िला इंतजामिया और महकमा पुलिस, सबसे पहले मैं इनको कसूर बैठे रहूँगा। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद हमारे मजीद कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बॉयकॉट का एक नया तरीका अपनाया जी, वो तरीका भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हाथ में ये चरखी, इसे कहा जाता था जी, ये डोर के इस चरखी कोई, अब पता नहीं और इसके लिए क्या मोतबर लफ्ज़ क्या यूज़ किया, फिरकी, फिरकी, हाँ मोतबर लफ्ज़ फिरकी यूज़ कर लिया जाएगा जी, इसको चरखी कहा जाता था। और ये यार ये बहुत तेज़ है, ये देखें आप, इस तरह ही है, बहुत तेज़ है, असं इतों बच्चों तो फड़ी है, बच्चे, अच्छा बच्चे उनसे पकड़ी है बाइक, बच्चे लेके कहाँ से? बच्चे यहाँ पे शॉप से हैं, वहाँ से लेके आए हैं, ठीक है, वो शॉप वाला खुद भी उड़ाता है, ठीक है, पूरा शॉप करता है अपना, गुड्डे वगैरह सेल करता है, बच्चों को भी लगाता है ये, हमने उनसे बच्चों से पकड़ी है, उनको समझाया, उनको लगाई है दो के, ये देखें आप कितनी तेज, बिल्कुल वो ये तो आप देख रहे हैं, शीशा लगा हुआ है, ये देखो कल मैं गया हुआ था गाँव, ये लगी है और ये सारे हाथ कटे हुए हैं मेरे, उड़ाते रहे हैं, हाँ कल उड़ाते रहे हैं गाँव गए हुए थे। नहीं मेरे भाई, पता है क्या उड़ा, अच्छी बात है, शौक करना चाह रहे हैं, वाइंड अप करें बस, जो वीडियो देखी उधर फैसलाबाद की, इसकी वजह से हम वाइंड अप करना चाहते हैं इस चीज को, बड़े दुख की बात है ये, वाकई बहुत है। अच्छा एक सेकंड दिखाइएगा जरा अंजुम, ये इसको थोड़ा सा करीब से करना जरा फोकस, ये इसके ऊपर आपको सारा ये चमकता हुआ शीशा दिखाई देगा, ये सारा कांच लगा हुआ, कांच लगा हुआ है सारा, ये सारा कांच लगा हुआ है। इसका तरीकाकार ये होता था जी, जो हमें सुनने को मिला था, वो तरीकाकार ये था कि कांच को रेजा रेजा करके, बिल्कुल उसको छोटे छोटे जर्रे करके, वो जर्रे करके किसी केमिकल के साथ इस धागे के ऊपर चिपकाए जाते हैं ताकि ये तेज़ हो जाए, तलवारनुमा हो जाए। आसमान में जब ये पतंग उड़ रही हो तो वो पतंग के वेट से और हवा के वेट से जो है ये इतनी तेज़ तलवार बन जाती है कि किसी भी डोर के साथ लगती है तो डोर कट जाती है। वही तेज़ तलवार जब नीचे ज़मीन पर
कहीं पे फंस जाती है तो वहाँ से जाने वाले बाइक वालों का गला भी उसी तेज धार से काट देती है। कोई भी शौक है ना, कोई भी शौक है, किसी की जान से ज्यादा बढ़ के नहीं, अजीब नहीं है, ठीक है। तो हम लानत भेजते हैं ऐसे शौक के ऊपर कि जो किसी की जान को, जिससे नुकसान हो किसी को, ठीक है, ऐसे शौक पे हम पहले हम बहुत डराते हैं, ठीक है। हमने पूरा अपना शौक इसको बड़ा हम इंजॉय करते थे, एक खुले एरिया में हम अपने गाँव जाते थे, ठीक है, उड़ाते थे, ठीक है। लेकिन ये जो लाहौर में तो पूरी बैन है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। पहले हम कहते थे कि ये मतलब बैन नहीं होना चाहिए, खुलना चाहिए, या हुकूमत क्यों पाबंदी लगाती है, दूसरी सिटीज़ में खुली हैं, लाहौर में क्यों नहीं है, क्यों नहीं। लेकिन अब हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लाहौर में बैन है, हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, दूसरी सिटीज़ में भी होना चाहिए बैन, ठीक है। इतनी कीमती जान है, देखें वो मतलब कि बाइक पे जाता उसको पता भी नहीं था, और मतलब उसको डोर फ्री है और वो जान से किस जहर सूरत हाल में घर से निकला था, किस बेचारा मजबूरी के तहत निकला था, और उसे नहीं पता था कि आज किसी का किया हुआ गुनाह मेरे आगे बिल्कुल उसका तो बेचारे का कोई कसूर नहीं था ना जी। हमें अच्छी बात है, ये हदायत मिली है हमें, मतलब एक नज़र आया कि हमें अपने आप से शुरू करेंगे तो कोई समझेगा ना, हम आज से बायकॉट करते हैं, हमें हदायत मिली, हम चाहते हैं लोगों को भी हदायत दें, अल्लाह को हदायत दे। अल्लाह का करम है कि हमें बगैर किसी नुकसान के हदायत मिल गई, या कुछ नज़र आ गया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा भी हो सकता था, उसकी जगह हमें से भी क्यों, अपना ही नुकसान है, वो हमारा ही भाई है, ठीक है, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, आमीन, ठीक है। बाबा जी क्या हाल है, ठीक है, सेहत भी ठीक है, कितने रहते हो, इतने ही रहते हो, पतंगबाजी वगैरह होती है, नहीं पतंगबाजी वेखी दिन पर कोई बच्चे करते हैं, पर वो जुर्म करते हैं, चंगा नहीं ना करते, गलत काम है, जो गलत है वो गलत ही होता है, रोकते हो बच्चों को, नहीं असं तो अपने बच्चों नहीं नेड़े जान देते, नहीं जो कोई और पतंगबाजी कर रहे होंगे उन्होंने भी रोकने, उन्होंने भी रोकने, बच्चा नहीं ये काम करते, गलत जो काम है गलत होना, एक फैसला वा तो बच्चा वो गले से डोर फिरी है तो वह सारा गला ही कटे गया, चिट्टे कपड़े लाल हो गए ने सारे, असं तो वो मोबाइल से वेंदे रहे हैं, बच्चा मैंने गाया तो यह जो काम है गलत है, एक हुकूमत को चाहिए जो बनाते हैं उन्होंने रोकना, सर बिल्कुल जो बनाते हैं उन्होंने रोकना चाहिए, सख्त सजा देनी चाहिए, हाँ उन्होंने उन्होंने डकन जो आम खराब करने का असल तो वह खराब करने जो बनाते पे ने, देखो ना इतने कोई गैर कानूनी असला लैके बंदा आइए उस असले नाल मसलन वो दी नुमाइश नहीं ना कर सकता, गैर कानूनी असला लेके नहीं आ सकता, तो ये असले तो काटे, ये असले तलवार तो काटे, ये जादी असले दा पता हुंदा सामने कोई है, चलो कुछ मैं मोटरसाइकिल ते वेख्या ने जले डोर फ्री ते उन्हें नाल ही ला के गला परां कर दित्ता सी, अद्धे आधा गला ही उहदा लै गया वे, फैसला वादा वा क्या वे, ठीक है ना, ते इह जिहड़ा काम है इह ते छुरी नाल भी तेज है, ये सारा शीशा लगा इहदे उत्ते, ये हाथ दिखाएं जरा भाई, ये भाई मेहरबानी करना उन्होंने बंद कराने उन्होंने को जो बनाते हैं उन्होंने पाबंदी उन्होंने ला, हाँ ये सारी डोर फ्री हुई है, ये अभी फ्री है, ये नहीं नहीं ये कल की है, ये अभी की है, ओहो ये अभी डोर फ्री है जी, अभी ये इसको डोर को दिखाते दिखाते उनके हाथ पे लग गई है, फिर ये इतनी तेज है, मतलब ये हाथ में ये भैया आपने बम पकड़ा हुआ, ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही, और मैं ना हम चाहते हैं कि एक कंपेन चलाएं, ठीक है, जिसमें कि जिसके पास भी गुड्डे जितने भी हैं, जो भी ये शो करता है वो जला के वीडियो अपलोड करे, वह दूसरी भी करता है, एक चलो ये इस कंपेन की हमारा साथ दें, जिसको जिसको अल्लाह हदायत दे उनको, ठीक है, वो जला के एक वीडियो अपलोड करें, अब ये करना चाह रहे हैं कि जिस जिसके पास भी पतंग मौजूद है वो जला के वीडियो अपलोड करें, दूसरे जो फजूल भी तो ट्रेंड करते हैं ना, दुकान के पास पड़े वो भी जला दे, दुकान तो चाहिए हुकूमत को कि उधर उनको बंद किया जाए, ठीक है, अपने मतलब हमारे मुहाफिजों को भेजें, पुलिस वालों को कि वो बंद करें, ताकि इन बच्चों के हाथ में ना आए, ये बच्चों से पकड़ी मैंने, एक छोटे बच्चे के पास ये हो सकती है, तो सोचें वो उड़ाएंगे, और मेन रोड है यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, सो नुकसान हो सकता है, और भी हो सकता है, हम तो अब हमने देखा है इनको, हम जाते हैं, हमने देखा, हमने इनको रोका है, और कोई भी देखे वो भी आगे रोकें, ठीक है, ऐसे एक कंपेन चलाई जाए, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा, मोहम्मद, कैसे हो मोहम्मद, ठीक हो, पख्तून हो, अच्छा पतंग उड़ाते हो, उड़ानी है, दें पतंग है हमारे पास, उड़ानी है, ले लो, उड़ानी आती, ले लो, उड़ानी है, किसको चाहिए पतंग बताओ भाई, किसने उड़ानी है, तुमने उड़ानी है, इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ, ले लो, और उड़ानी है, तुमने ऐसे किसी ने उड़ानी है पतंग, नहीं चाहिए, नहीं लेनी नहीं, क्यों, वो इससे भी नुकसान हो सकता है, जबरदस्त, क्या नुकसान हो सकता है, कि लोगों के गले कट सकते हैं, लोगों के गले कट सकते हैं, कभी देखा आपने किसी का गला कटा, इसे पतंग से कटा किसी का, किसका, ये उधर हमारे गाँव में किसी का कटा, गाँव में किसी का कटा था, ये आपने वो वीडियो एक देखी है जो आजकल चल रही है, एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है उसका गला कट गया, नहीं, अगर आपको कोई फ्री में पतंग दे फिर भी नहीं लोगे, क्योंकि खतरनाक है, पापा ने मना किया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है, और किसी का गला तो कट ही सकता है, आपके अपने हाथ भी कट सकते हैं ना, ये देखो कितने नरम नरम से हाथ हैं, और ये देखो ये डोर देखो, इसको हाथ लगाओ जरा,
तेज है ना, कट सकती है ना उंगली, अपना हाथ भी कट सकता है। छोटा भाई वहाँ पे कहीं खेल रहा हो, आप पतंग उड़ा रहे हो, उस भाई को नुकसान हो सकता है। भाई है छोटा, बच्चे हैं छोटे, और भाई बहन भाई हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है ना, हाँ किसी को भी हो सकता है। तो ये हमें खत्म करना चाहिए, ये हमें अब जिस तरफ भी नजर आएंगे ना, हम खुद फाड़ेंगे गुड्डे उनसे पकड़ के, उनसे खींच के फाड़ेंगे, उनको समझाएंगे, उनको हिदायत देंगे कि भाई ये गलत बात है, ठीक है। दूसरा भाई 15 भी आपने लाजमी किया इंशाल्लाह जी। मेरा एक बेटा है मैर, उसको मैं बहुत रोकता हूँ लेकिन वो रुकता नहीं है, उसको इस दफा मैंने काफी समझाया भाई, हिदायत देंगे अपनों से समझाएंगे तो फिर ही आगे कोई समझेगा, जब घर ही नहीं सही होना तो बाहर किसने सही होना। ये हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा बॉयकॉट का एक तरीका बनाया जाए, जी हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो लोग खुसूसी ये किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर लेते हैं, हमारे लोग शौकीन है, हमारे पास पड़ा है, हाँ वो करते हैं, इस तरह के शौकीन है, किसी का मुंह लाल देख के अपना थप्पड़ मार के लाल करना शुरू कर देते। तो अगर देखेंगे ट्रेंड चल रहा है, किसी एक ने कोई टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील बनाई है जिसमें वो पतंग को आग लगा रहा है या पतंग की जो बाकी तमाम लवाजमत होते हैं इन सबको आग लगा रहा है, तो उसको देखा देखी उसके व्यूज़ के जो है लालच में दूसरा भी कोई काम करेगा। तो ये ट्रेंड अच्छा है, ये अगर ट्रेंड लाया जाए गैर कानूनी काम को ख़त्म करने का ट्रेंड, तो इस तरह के ट्रेंड आने चाहिए और ये लाना चाहिए। के पास भी होगा, हम खुद पकड़ के अभी जलाएंगे, जलाएंगे और 15 भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक ये शहरी मरसद मौजूद हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं, साथ छोटी सी बच्ची आगे बैठी हुई है। सर क्या हाल है, खैरियत से? जी शुक्र है, सेहत भी ठीक है। जी शुक्र। बच्ची कौन है? बेटी है। बेटी आपकी, माशाल्लाह जी। मोटरसाइकिल के ऊपर वो एक वो बेस ही लगती थी वो डोर से बचने के लिए, वो नहीं लगवाई आपने? वो अभी मिलती नहीं, मिलती नहीं, बिल्कुल ऐसी मिलती नहीं है, मिलती नहीं। जितना आपको पता है मोटरसाइकिल अब पहले भी वैसे खतरनाक सवारी थी, ये टू व्हीलर अब और ज्यादा खतरनाक जी, ऐसे उसकी वजह ये है कि पतंगे जितनी उड़ रही हैं फैसलाबाद में, आपने देखा एक वाकया पेश है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास आपके साथ भी पेश आ सकता है, छोटी सी बच्ची आगे बैठी हुई इसके साथ भी पेश आ सकता है। जी जी, ये होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, मगर कहीं से मिल ही नहीं रही, वो मिल ही नहीं, एंगल ही नहीं मिल रहा। इसका फिर दूसरा हल क्या है कि पतंगबाजी खत्म हो जाए? और में अभी होती नहीं है पतंगबाजी, जिधर हो रही है वैसे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत यहाँ भी होती है, नहीं काम हल्की फुल्की नहीं। वैसे आपने कभी देखी है लाहौर में कोई हल्की फुल्की एक दो पतंग उड़ रही हो? एक दो तो होती है। अच्छा, जब आप देखते हैं आप क्या करते हैं फिर? कुछ भी नहीं। मैं बताता हूँ मेरे भाई, तब ये क्या करें, आप देखें दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बाअसर लोग जिनकी इलाके में चलती है, उन्होंने देखी है कि इलाके में अगर पतंग उड़ी है तो वो जाएंगे जाके सख्ती से मना करेंगे, उसे पतंग उड़ाना बंद करवा देंगे। दूसरे वो होते हैं जो बाअसर नहीं होते हैं, जिनको मसला होता है कि अगर हम मना करेंगे तो हमारा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, वो ये करें 15 पे कॉल कर दें, एक छोटी सी कॉल आपने करनी 15 की। हमारे क्रेम में भी ऐसे बच्चों ने उड़ाई है तो साथ वालों ने कॉल कर दी थी, कर दी थी, आगे थे वो, आगे थे, उन्होंने पकड़ लिया। वही सर, ये अच्छी अच्छी बात है ना, पतंगबाजी को हमने ही रोकना है, हम रोकेंगे नहीं, हम 15 कंप्लेन करेंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा तो कैसे हमारी मदद करेंगे? किसी तरीके के तहत ही होगा ना काम, ये इस छोटी बच्ची की जान बचाना आप पे फर्ज है, अपनी जान बचाना आप पे फर्ज है और वो हमने ऐसे बचानी है, बिल्कुल ऐसी है। बच्चे इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रशीद है। रशीद है, हाँ जी। किधर रहते हो? यहाँ पे ब्लड टाउन में। इधर पीछे रहते हो? हाँ जी। पतंग चाहिए? नहीं। डोर? नहीं। क्यों? लोगों का नुकसान होता है ऐसे। क्या नुकसान होता है? उनका गला भी कट सकता है और हाथ भी कट सकता है बाइक चलाते वक्त। अच्छा, तो तुमने नहीं लेनी है? नहीं पतंग? नो। और कोई दोस्त किसी को दे दें? नहीं। क्यों? दोस्तों को रोकते हैं कि मत उड़ाएं, दूसरों का नुकसान होता है। अच्छा, इधर मुझे बताओ पीछे कौन उड़ाता है? ये पीछे यहाँ पे वो साथ में क्रिश्चियन का मल्ला है, उधर वो ही उड़ाते हैं, हम नहीं उड़ाते। उड़ाते हैं वो? हाँ जी। आपने देखा कभी उनको उड़ाते हुए? हाँ। फोन है आपके पास? इतवार वाले दिन उड़ाते हैं। अच्छा, मोबाइल है आपके पास? नहीं, इतवार वाले, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, इतवार वाले दिन ज्यादा उड़ाते हैं, ज्यादा उड़ाते हैं इतवार वाले दिन। अब आपने जब उनको देखना ना इतवार वाले दिन उड़ाते हुए, आपने अब्बू को कहना है या बड़ा भाई को या उसको कहना है, चाचू को कहना है, किसी को भी कहना है, या मैं अपना नंबर दे देता हूँ बेशक मुझे कह देना, आपने ना 15 पे कंप्लेन करनी है उनकी, ठीक है? आपने लाजमी कंप्लेन करनी है, आपने ना बेटा खुद भी अपनी भी और बाकी सारे छोटे दोस्तों यारों की भी जान बचानी है, ठीक है? वो ये इस तरह करोगे, जान बचाओगे तो ही अपनी भी और बाकियों की भी सेफ्टी कर दो, ठीक है? बड़े अच्छे बच्चे, क्या नाम है? रशीद है। पढ़ते हो? नहीं। क्या करते हो? काम करते हूं। क्या काम करते हो? दर्जियों का। दर्जियों का काम करते हो? यार मेरे कपड़े सी दे, कोई ले ही नहीं रहा ईद के लिए। बुजुर्गो की हाल है? ठीक है जी। गुड्डियां जेड़ियां ने
मोबाइल बच्चे चंगा जवान से गर्दन तार फिरी गर्दन पहले उठा है पहले उठिया फिर पता नहीं लगा उठिया कपड़े सफेद लाल हो गए एक उठिया फिर दोबारा फिर डिगा है गर्दन सारी ले गई किन्ना जुल्म होया ना वेखो बच्चे बेचारे दा कोई कसूर नहीं आने वेने बहुत ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ 15 ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਬੱਚਾ ਗੁੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰੋ ਆਪ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰੋ ਕੰਪਲੇਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ 15 ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹੈਗਾ 15 15 ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡਦੀ ਵੀ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਸ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਦਾ ਹੈ ਵਾਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡੀ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਜੀ उनको भी हमने बता दिया कि आपने इस तरह कंप्लेन कर दी यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में मसला ही सबसे बड़ा ही है जी कि हम जहाँ पे कहीं गलत काम होता देखते हैं उसको वैसे ही लावारिस छोड़ देते हैं हम कि वो गलत कर रहा है या वो खुद रुक जाए या उसको रोकने वाले रुकें हम अपना फ़र्ज़ कुछ नहीं समझते जबकि हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम शहरी होने का लिहाज करते हुए एक अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करते हुए लाजमी 15 पे कंप्लेन करें 15 पे हम कंप्लेन करेंगे हमारा आगे कंप्लेन हमारी जाएगी तो उस पर कंप्लेन पर एक्शन होगा जी वो आके उस कंप्लेन पे पतंगबाजी को रोकेंगे अगर हम अपना फ़र्ज अदा ही नहीं कर रहे तो आगे कैसे फ़र्ज अदा होगा मैंने फ्राइडे को एक शो किया जिसमें मैंने ये कहा बिजली चोरी हो रही है तो आप कंप्लेन करें गैस चोरी हो रही है तो आप कंप्लेन करें अगर आप वो कंप्लेन नहीं करते हैं बिजली चोरी और गैस चोरी की तो आप भी उस चोरी में साथ उतने ही मुलविस है क्योंकि चोरी का पर्दा रखना भी चोरी ही होती है ऐसे ही पतंगबाजी हो रही है पतंगबाजी होते हुए अगर आप पतंगबाजी की कंप्लेन नहीं करेंगे तो आप भी उस पतंगबाजी के जुर्म में उतने ही मुलविस हैं खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी उसके बाद हमारे ये दोस्त पतंग बाजों के खिलाफ और पतंगों के खिलाफ क्या एक्शन करने जा रहे हैं ये इस छोटे से वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद ये रंग बिरंगी पतंग जो मेरे सामने आपको देख रही है ये रंगारंग मेला बसंत में मनाई जाने वाली पतंग वैसे तो खूबसूरत चीज़ है जी और बड़े शौक से लोग उड़ाते थे बड़े शौक से लोग इसको खरीदते थे लेके आते थे बाज़ लोग अपना नाम ऊपर इसके लिखवाते थे जी लगवाते थे अपनी तस्वीर लगवाते थे इतने शौक़ से इन पतंगों को बनवाते थे लेकिन अब चूँकि ये लोगों की जान लोग अपनी कमाना शुरू हो गए लोग अपनी जान की बाजियां हारना शुरू हो गए जी इन पतंगों की वजह से तो इसका बॉयकॉट करेंगे जी और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ये चाहिए तुम्हें इधर आओ चाहिए तुम्हें ये चाहिए तुम्हें हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी और ये उसने फटी हुई पतंग भी मेरे हाथ से छीनने की कोशिश की है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ था जी वो आपसे पतंग भी छीन रहा था ऐसे ही है ये देखिए हम आपके सामने जलाते हैं जी भाई इसको नीचे पहले फाड़ो फिर जलाओ नहीं 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 ये देखिए आपके सामने हम जलाते हैं लानत भेजते हैं ऐसे शौक पे ए हम लानत भेजते हैं जबरदस्त पीछे पीछे हो जाओ किसी को जान जाओगे कोई आगे आ गया तो पीछे हो जाओ अंजुम इधर आगे आ जाओ हमजा डंडा पकड़ इनको डंडे से ये जी ये डोर है जिसको ये आग लगा दी हमारे भाइयों ने और ये पतंग जबरदस्त जबरदस्त कहते हैं ऐसे ही ठीक है जैसे हमने किया है हमारी तरफ देख के दूसरे भाई जिनके पास भी है अल्लाह उनको हदायत दे ठीक है किसी की जान इतनी हमारे शौक इतना जरूरी नहीं है कि किसी की जान से ज्यादा हो ठीक है ये आपके सामने हमने जला दी अपना शौक लानत भेजते हैं ऐसे शौक के ऊपर जबरदस्त अभी हमारे जो है कोई दोस्त हैं उनके पास फैसलाबाद वगैरह पड़े हैं उन्होंने अभी हमें वीडियोस बना के भेजी हैं जो जला दी हैं हमारे कॉन्टेक्ट में जो जो है हम सबसे दरखास्त करते हैं हर शहरी से दरखास्त करते हैं कि वो इस शौक को खत्म करे ये जानलेवा शौक है लोगों की जाने जाया हो रही हैं तो इस शौक को खत्म किया जाए बिल्कुल ऐसे ही खत्म किया जाना चाहिए और अच्छा मुझे एक बात तो बताएं बड़े साहब ये
बड़ी महंगी मैंने सुना ये चरखी आती है, डोर कितने की? किसी की जान से महंगी नहीं है। वैसे होती कितने की अंदाज़े? ये भाई तकरीबन 6-7 हज़ार रुपए की आती है, 20-20 हज़ार रुपए की भी है ये, लेकिन है केमिकल, ये किसी की जान को बहुत सख्त नुकसान दिया, लेकिन किसी की जान से महंगी नहीं है। हमारे पास थी, हमने साड़ दी है, ठीक है। और हम हर शहरी से दरख्वास्त करते हैं वीडियो के पास ये, ठीक है, वीडियो बना के कैंपेन, एक सदका है समझे, जो भी समझे, एक वीडियो बना के अपलोड करे, एक अपनी राय दे के जी हमने भी बायकॉट किया, हमारे बायकॉट बायकॉट के साथ हमारे शामिल हो, हमारे साथ, ठीक है, जैसे हमने जलाए हैं अपनी जला के एक वीडियो भेज दें। हम अपने दोस्तों से भी कह रहे हैं जिन जिन के पास बड़ी है, हम उनसे वीडियो ले रहे हैं कि जला के भाई हमें वीडियो भेजो, कि हम वीडियो दे के यकीन हो कि भाई ठीक है आप लोगों ने बायकॉट किया, आपको सल्यूट है, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि जिस जिस के पास भी पतंगे मौजूद हैं या ये पतंगों का बाकी सामान मौजूद है वो उनको जलाए, जला के एक वीडियो बनाए, और वीडियो बना के नीचे आप ट्रेंड में कुछ भी लिख सकते हैं जी, बॉयकॉट बसंत, नीचे इस हैशटैग के साथ ट्रेंड चलाएं। अगर आप हमें साथ हमारी टीम को शामिल करना चाहते हैं तो आखिर क्यों के हैशटैग के साथ या मेरे नाम के हैशटैग के साथ भी आप ये कर सकते हैं, और हम मेरी आखिर क्यों की टीम सिटी 42 की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करेगी इस बॉयकॉट में हमारा साथ देने का। मुझे नहीं पता हमसे पहले शुरुआत किसी ने की है या नहीं की, लेकिन मैं मेन स्ट्रीम चैनल पे आके शुरुआत कर रहा हूँ जी इस बॉयकॉट की, और जो जो इसमें शहरी लगता है कि इस बॉयकॉट को करना चाहिए, जो जो शहरी ये समझता है वो ज़रूर हमारा साथ दे। ये आपने मेरे भाई बिल्कुल ठीक किया है, उसकी वजह पता है क्या है, आज का ये एक थप्पड़ इनकी जान बचाने के लिए अगर इनके काम आ जाता है तो थप्पड़ जरूरी है। बिल्कुल, मैंने अभी खुद देखा है यहाँ पे जब आप पतंगे लेके आ रहे थे इनको जलाने के लिए, एक बच्चा आपसे छीनने की कोशिश, काफी बच्चे जो है हमारे पीछे, ये सारे बच्चे खड़े हैं, कोई कह रहा है एक दे दो, दो दे दो, एक दे दो, दो दे दो, आज हम इनको देते हैं, तो ये किसी की जान का बाइस बने वो हमारे बस में नहीं है। हम कहते हैं कि ये शौक जो है ये खत्म हो, हर जो औलाद है वो हर किसी माँ बाप का बेटा है, बहनों का भाई है, वो जो आज परसों जो है वो रोड के ऊपर पड़ा था वो भी किसी का भाई था, किसी का बेटा था, तो हम तो कहते हैं कि बिल्कुल बायकॉट हो, लानत भेजे हर इंसान ऐसे शौक के ऊपर जो किसी की जिंदगी मौत का बायस बने, तो लानत भेजनी चाहिए ऐसे शौक पर। वो अगर आपको आपके बच्चे अजीज हैं जी, तो उन बच्चों के लिए आप वो काम करेंगे जो उनकी जिंदगी बढ़ाने वाला काम है, उनकी जिंदगी घटाने वाले काम आप नहीं करेंगे। ये सारे बच्चे या इस तरह के जितने भी बच्चे आपसे जिद करते हैं पतंगबाजी के लिए, अगर उनकी जान अजीज है आपको तो उनको पतंगबाजी बिल्कुल ना करने दें। हो सकता है आज आपका बच्चा बच जाए, कोई और उस डोर का शिकार हो जाए और अपनी जान की बाजी हार जाए, लेकिन कल को आपका बच्चा भी उसकी जगह हो सकता है। वो जो फैसलाबाद में वाकया पेश है उसकी जगह मैं भी हो सकता था, मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैंने पतंग नहीं उड़ाई है, मैं डोर नहीं लेके आया, मुझे इसका पता भी नहीं है, लेकिन मैं अगर बाइक पर गुजर रहा हूं, तो मेरे गले से डोर फिर सकती है, डोर ये पहचान नहीं करेगी कि मैं जिसके गले पर फिर रही हूं वो पतंगबाजी करता है या नहीं करता। डोर के लिए सबका गला बराबर है और सबका गला काट सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, तो ये अपनी इनपुट इसमें ज़रूर दें, इसका बॉयकॉट करें और सही तरीके से करें। दूसरा बॉयकॉट मैं दोबारा से कहूँगा जी, हमारे उन तमाम महकमों के लिए मैसेज है कि ये हमारे पुलिस अफसरान जो हैं वो खुद इटसेल्फ भी इसके लिए मेहनत करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे शहरी जो हैं वो शहरी थोड़ी सी मेहनत करें और जहाँ पर भी देखें 15 रिपोर्ट करें जी, पुलिस को रिपोर्ट करें, कंप्लेन करें, अपना फ़र्ज लाजमी अदा करें। और सबसे बड़ी हैरानी की और परेशानी की बात यह है कि आज भी अभी लाहौर में मौजूद हूँ, शहर में मेन सेंटर में मौजूद हूँ, और यहाँ पे हमारे पास अभी भी पतंगे मौजूद थी। ये शहर लाहौर में आ किस तरह रही हैं पतंगे और डोरें, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये डायरेक्टली मैसेज मेरा CCPO लाहौर के लिए है जी कि आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें कि लाहौर में ये पतंगे और डोरें आ किस तरह से रही हैं, अगर बन नहीं रही हैं तो आ किस तरह से रही हैं, और अगर बन रही हैं तो वो क्यों बन रही हैं, स्टेट से बड़े बदमाश ये कौन है जो स्टेट को भी उंगलियों पर नचाई फिर रहे हैं और इस तरह सरेआम गैरकानूनी काम कर रहे हैं। खैर हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज़।